अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सर्व एक्सेल सुपर ओवर पीएसएल स्पेशल जीत की सुपर धमाल। और आज मुल्तान सुल्तान जीत गए। ऐ टुंडे ढोलक नवाज, बजाओ मेरे शहर मेरा शहर। रुक भी जा, शाहजी जरा घूम के सराय की झूमर मैं की थी। वाह 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 जी। अच्छा जी, आज तो हमारे साथ शाहजी आए हुए हैं। मोहम्मद शाह सर, कैसे हैं? हाउ आर यू डूइंग सर? A1 फर्स्ट क्लास। शाहजी आपसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम मुल्तान सुल्तान की बात करेंगे। और मुल्तान सुल्तान ने जो आज जादू दिखाया, बाबर ने इतना अच्छा खेला, लेकिन 242 चेज कर लिया उन्होंने यार। बिल्कुल, क्या हुआ ये? देखिए, पिशावर ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला बहुत जबरदस्त किया, क्योंकि पिच जो है वो आपको बताया था, जिस तरह पिशावर बैक टू बैक 240 प्लस बनाने में कामयाब हुई है, और अनफॉर्चुनेटली उनके पास बॉलर्स की कमी थी, उस वजह से शायद लैक किया उन्होंने। बाबर आजम को आज 104 बुखार भी था, लेकिन उसके बावजूद वो 73 रन कर सके हैं, और बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट भी था, लेकिन काफी अच्छा स्कोर था। मुल्तान सुल्तान को इस चीज का क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनके ओपनर्स जल्दी आउट हुए, लेकिन रायली रोसो और केरन पोलार्ड ने जो अंधाधुंध फायरिंग अंधेरी राहों में, सुनसान राहों पर एक रायली रूसो आया। हाय हाय, रूसो ते भी गल कर लेने, पहले ते खाजा साहब क्या कहने। ए हो जा बंदा ड्रेस पूछने वास्ते भी उर्दू शुरू करे ना, ते अगला बंदा कह देंदा लो जी पेट्रोल दे पैसे मंगे। नहीं गल बाकी देखो एक लग रहा 32 अच्छा भाई, लोग ब्लेम करते हैं कि ये जो स्पेशली पिचेस थी इसमें बॉलर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे, और जो नजर भी आ रहा है कि 230-240 स्कोर हो रहा है और वो चीज भी हो रहा है, तो वाकई पिचेस को ब्लेम किया जा रहा है? बट सर बिल्कुल एग्जैक्ट यही पॉइंट है, और जिस तरह सोशल मीडिया पर कोहराम बरपा हुआ था कि 240 रन चेज करना 200 भी कई जगहों पर मुश्किल हो जाता है, जिस तरह लाहौर की पिचेज हैं 198-192 स्कोर जो है वो बड़ा अच्छा टोटल होता है, लेकिन अच्छा। पिंडी की जो पिच है इसमें क्यूरेटर्स को बाकायदा तौर पर हदायत ये की गई थी कि पिंडी के शायकीन को महजूज करना है और लंबा स्कोर होना चाहिए, बड़ा टारगेट होना चाहिए, इस वजह से क्यूरेटर्स ने जो है वो पिच बैटिंग पिच बनाई और बॉलर्स के लिए वो एक कब्रिस्तान की मानंद हो गया। हाँ जी बिल्कुल, शाहजाद मी नॉट, टच मी नॉट। शाहजाद यू आर लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, वेरी एलिगेंट एज यूजुअल। सर आपने एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा था जेल में गुजरे 10 दिन मेरी जिंदगी के कीमती तरीन दिन है। हाँ, तो फिर आप बाकी की जिंदगी कीमती क्यों नहीं कर देते? मेरी बात सुनो, बाकी सही गल, फड़े जाओ कहंदे तो जान के तुम्हारी जेब चरस पा देने। ए ज़ीब्रा को मॉडिफाइड खोते कहने वाले होस्ट, कुछ बातें भड़के होती हैं, जोश खिताबत भी किसी चीज का नाम है, हम पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं और बाद में अफसोस भी बहुत होता है। खासा वाली आदत हमारे अंदर भी है। अच्छा, लेकिन आई डोंट माइंड गोइंग टू द जेल। नो, अच्छा मेरी बात सुनो जी जी, आई रियली डू नॉट माइंड। ओके, मैं तो प्रिजन वैन। आप प्रिजन वैन की तरफ आते हैं, मुझे बताएं ये वैन के अंदर आप जब गए तो आपने कहा कि जी मुझे तो उन्होंने बाथरूम भी नहीं जाने दिया। ओए होए 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 होए, वो फिल्म देखी है तुमने 3 इडियट्स? जी, उसमें वो जो करीना कपूर की बड़ी या सिनेमा वाली जी जी, मैं सिनेमा वाली बात कर अच्छा, रहा हूँ। हाँ, सिनेमा वाली। हाँ, विधु विनोद चोपड़ा। हाँ जी। मेरी बात राज हिरानी, वो क्या नाम है उसका? राज भूमन हिरानी। और नहीं नहीं, वो जो डायरेक्टर है वो हिरानी और राज हिरानी दा बच्चा। हाँ, नहीं नहीं बाबू, किसे हिरानी दा बच्चा? मैं हम सीन की तरफ लेके आना चाहता हूँ कि वो जो सीन होता है करीना कपूर की बड़ी बहन मोना सिंह एक इमरजेंसी में फंसती है। जी जी, वो डिलीवरी वाला सीन जो व्हाट्सएप पे सारा कुछ हो रहा होता है। जी जी, मेरे साथ भी वही था। अहमद अली भट्ट, मैं तुम्हें क्या बताऊं? ओए होए होए होए। अच्छा मतलब तशद्दुद? नो, नहीं नहीं, अपने आप पे तशद्दुद था, मतलब बर्दाश्त थी। अच्छा, बाकी प्रिजनर्स की। अच्छा, और
उस प्रिजन वैन में दफा 144 लगा हुआ था। ओए होए हो 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 हो। चिट्टा शेर लग रहा है जी, मैं करूं आटा छड़न आया है। मेरी गाल सुन जी, बहुत ज्यादा गलहंदा पई तू। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तुम्हारे सामने कोई गाल कह नहीं कर सकते सही, तो सर साडे मुर्शिद हो मुर्शिद। अच्छा सर, शाह जी सबसे पहले तो जरा आंखें यूं करें, ये स्माइल करें और गुस्सा छोड़ें। ये छोड़ा हुआ मैंने। अच्छा गुस्सा छोड़ा हुआ। अच्छा मुझे बताया, आपने कहा कि जेल में मुझे मच्छर बड़े काटे। और ये कौन से मच्छर थे? ये इम्पोर्टेड मच्छर थे। अमेज़न के जंगलात से पकड़े हुए इतना बड़ा मच्छर। ओहो, इतना बड़ा मच्छर। अच्छा हाँ, वो कॉकरोच भी हो सकता है। नहीं नहीं, मच्छर थे वहाँ छोड़े गए। मच्छर लगता है अल्सेशन मच्छर सन। ओहो, अल्सेशन तो भी उते। अच्छा, यकीन करो मच्छरों ने काट कर, मेरी और मच्छरों की बड़ी लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई है। ओहो, बुली मच्छर भी थे वहाँ पे। नहीं इंजनी कही था आखिर मेरा पार्ट। अमरे, तो आपने क्या किया मच्छरों के साथ? तुमने वो सुना होगा, साला एक मच्छर इंसान को नहीं, वो उनको कुछ और बनाया था, मुझे उन्होंने लीडर बनाया। ये मैं क्या पड़ा? हाँ जी, ओथे ते शाह जी नु मच्छर ने साउंड नहीं दिता, फिर मैं उन्होंने जलेबियां दे के आया, इन दूध च पा के खा रही है। ए चर्बी के ढेर, मेरी बात सुनो, ज्यादा बकवास नहीं करनी। जी शाह जी। यार शाह जी आज बड़े गुस्से में आए हैं। जी जी, गुस्सा पता, और मैं बताता हूँ गुस्सा क्यों है, अगले सवाल पे आपको खुद ही पता लग जाएगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि कंटेंडर आपको होना चाहिए था, लेकिन चौधरी परवेज इलाही सदर बन गए, ये क्या मतलब? इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जाए। पता नहीं इस तरह की आवाज भी अपना वो ऐश्वर्या राय लगाती है, लेकिन जो भी है ना, कुकुकु। अच्छा किया। नहीं वैसे क्यों हुआ ये तो वही हुआ कि जिस तरह जब वो जायदाद का बंटवारा होता है तो जो जिसका हक होता है उस बेचारे को साइड पे कर दिया जाता है। पहले जरा I can talk English. Yes. ठीक है, मैं को मुझे सिंधी भी अच्छे थी। सारा कुछ इस एक इतनी सी जान में सब कुछ कूट कूट के भरा हुआ yes, है। Yes, of course. लेकिन फिर भी हम पे नजर नहीं पड़ती। वो चौधरी परवेज इलाही बाजी ले गया। कभी जावेद हाशमी, कभी चौधरी परवेज इलाही। मुझे बताएं ये आपस में उन लोगों का लगा रहता है, आपकी पर्ची नहीं आ रही। पता नहीं क्यों, मैं तो दुआ कर रहा हूँ इस वक्त और मेरा रुख पिंडी की तरफ है। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब वैसे ही मैं कह रहा हूँ, उस वक्त मेरा जब मैं दुआ कर रहा था पिंडी की तरफ देख रहा था। अहमद मेरी। अच्छा सुना नहीं, जरा तुम कह रहे हो ये पैगाम आप चौधरी परवेज इलाही को दे रहे हैं? कौन सा वाला? कि आपका रुख पिंडी की तरफ है और आपने कहा था कि खुदा ना, आपने ये कहा था कि जी अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए तो कमांड मेरे हाथ में होगा, कमांड मैं संभालूंगा। नहीं नहीं, मैं आमीन मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि मैं दुआ भी करवाता हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन मैंने क्लियर कट कह दिया कि अगर खान साहब को गिरफ्तार किया गया इंशाल्लाह मैं निकलूंगा। अच्छा, इंशाल्लाह मैं निकलूंगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह यानी कप्तान तेरी जित शाल्ला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कप्तान तेरी जित शाल्ला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार वो पर्स मैं घर भुलाया, खुदा तक पर्स खाओ साढ़े थे। अच्छा जी, आप देखे के चौधरी सरवर साहब, चौधरी परवेज इलाही, तो ये तो चौधरियों का रिवाज लग रहा है, आप भी अपना नाम चेंज कर रहे हैं? चौधरी शाह महमूद कुरैशी रख ले नाम अपना, बट बाउंसर पे बाउंसर मारे जा रहे हो। चौधरी शाह महमूद कुरैशी इलाही। मैं वैसे बट जी जेड़ा तुसी कह रहे हो ना कि सब दी पर्चियां निकल रही हैं, तुहाड़ी नहीं निकल रही, शाह जी दी पर्ची आज निकल रही। टीसीएल।